हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फरफाट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल हो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिटेक्टर के बारे में, यानी डिटेक्टर में जो फॉल्ट का इंडिकेशन आने लगे तो उसको कैसे सही करें, या मतलब उसको फिर से वेरीफाई करें रीसेट करके। तो उसमें कुछ मिस्टेक रह जाती है, जैसे डस्टिंग वगैरह, तो डस्टिंग के कारण वो बहुत बार सेंस करता है और अपना जो है इंडिकेशन देता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि उसको आप कैसे रीसेट करके कैसे उसको फिर से इंस्टॉल करोगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप पैनल में देख सकते हो, पीछे ये फॉल्ट का इंडिकेशन आया हुआ है, ठीक है, और ये लगातार कंटिन्यू फॉल्ट का इंडिकेशन आ रहा है, और जो डिटेक्टर का इंडिकेशन दे रहा है वो डिटेक्टर में निकालते हैं ले आया हुआ। तो दोस्तों, ये रहा वो जो डिटेक्टर जो मैंने देखा है। तो सबसे पहले इस डिटेक्टर को क्या करेंगे, हम खोल लेंगे उसको। सबसे पहले इस डिटेक्टर को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे सिर्फ सा तरीका टेस्ट से हम इसको ओपन कर सकते हैं। ये डिटेक्टर है, देखिए आप देख सकते हैं डिटेक्टर है, और उसको इस तरीके से जनरली तरीके से इसको आप तरीके से कर सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर। उसके बाद ये अपना जो होता है वो उसको जाली टाइप जो मतलब जिसके अंदर से धुआं सेंस करता है, ये वो हो गया। और उसके बाद ये मैं डिटेक्ट हो गया। तो इसको फिर से रीवेरीफाई करने के लिए, यानी रीसेट करने से पहले कई बार के इंडिकेशन दोबारा आ जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ब्लोअर के माध्यम से इसमें एयर मारते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए। ये हमारा ब्लोअर है, ठीक है, ब्लोअर से उसमें एयर देते हैं ताकि ये हमारा फिर से इसको क्या है सेट हो जाए। तो अब हम आपको मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे सेट करते हैं दोबारा से। देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया ब्लोअर, हो गया ब्लोअर से इसमें क्या करते हैं, जाली में जो ये जाली है मैं जो डिटेक्टर इंडिकेशन करती है इसमें एयर देते हैं। देखिए आप तीनों में आप बढ़िया से अच्छे से हवा देंगे। उसके बाद ये है जाली, जो जाली को उसको सेंस के अंदर इंस्टॉल करते हैं वो फिर से। फिर से वैसे चालू है
बाइक कितने समय जा रहे हैं, ये जो हिस्सा है उसके अंदर जाना चाहिए आराम से। ये हमारा डिटेक्टर फिर से मतलब इंस्टॉल के लिए रेडी है, तो अब हम आपको इसे फॉल्ट क्लियर फाइल करके दिखाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं जो इस पैनल में जो आप देख सकते हैं ये फॉल्ट आ रहा है।